Hey guys, my name is Khushi and welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक DIY क्रीम एंड DIY मॉइस्चराइज़र। एक तो गर्मियों में ये दिक्कत होती है कि जो हम लोग के मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ज़्यादातर जिनकी ऑयली स्किन होती है वो अगर लगा लेते हैं ना तो उनके हो जाते हैं दाने, सो उसके मार्क्स पड़ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो ये मैं क्रीम लेके आई हूँ ये एक ऑल इन वन क्रीम है जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपको सिर्फ आपको नहीं, आपके मदर को, आपके फादर को, आपके बड़े भाई बहन को अगर कोई प्रॉब्लम है स्किन की, जैसे आपकी मदर को एंटी एजिंग है या सनबर्न हो गई या फिर डार्क स्पॉट हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पिंपल्स पड़ जाते हैं, उनके निशान हो गए, देन ये क्रीम बहुत अच्छी है। आप एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ मेरी मम्मी के बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए थे तो मैंने एक महीने से उनको बना के दिया एंड वो यूज़ कर रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मुझे देखने को मिला है। उनकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आया है। देन मैं बताऊँगी इनमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, कोई केमिकल्स नहीं है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव DIY क्रीम है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक बहुत इंस्पिरेशन बढ़ाता है हमारा एंड मोटिवेशन भी बढ़ाता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि सबको ये ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे पहले चाहिए आपको एक खाली कटोरी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए सारे केमिकल फ्री होते हैं। सो बताती हूँ मैं आपको इसको कैसे बनाना है। पहला प्रोडक्ट है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है एंड आप प्लांट वाला भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। एलोवेरा जेल में होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन, मिनरल्स, फैलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे गुण हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारी स्किन को हील करते हैं, हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं, तो इसलिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल। उसके बाद में दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल। मैंने एक से ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसलिए विटामिन ई बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का एंड इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट जो कि बहुत ज़्यादा रिपेयर करता है हमारी स्किन को। थर्ड जो चीज़ है वो है गुलाबरी का गुलाब जल। गुलाब जल क्या होता है, टोनर का काम करता है जो कि हमारी स्किन की पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, इसलिए मैंने गुलाबरी का गुलाब जल 1 चम्मच गुलाब जल मैं इसमें मिक्स कर रही हूं। मैं यहाँ पे गुलाबरी का गुलाब जल ले रही हूँ। आप किसी और ब्रांड का भी गुलाब जल ले सकते हैं, आप DIY गुलाब जल घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चौथा जो है प्रोडक्ट वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत अच्छा सोर्स होती है, हमारी प्राकृतिक निखार को प्रदान करते हैं, जो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो उसको लौटालती है, हमारी स्किन को हील करती है, मॉइस्चराइज रखती है एंड बहुत अच्छा सोर्स होती है कि हमारी स्किन को रिपेयर करने का। सो इसलिए मैंने लिया है ग्लिसरीन 1/2 चम्मच क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया। आपको इसको बहुत अच्छे से मिला लेना एंड इस तरीके का पेस्ट बन के आएगा एंड इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना। एक खाली कोई सी भी आप डिब्बी ले सकते हैं, उसमें भर लीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसको अपने चेहरे पे किस तरीके से लगाना है, पूरा डेमो दे रही हूँ। प्लीज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आप इस DIY क्रीम को 45 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं पड़ा है जो जल्दी ख़राब हो जाता है। सो आप इसको आराम से स्टोर करके रखिए 45 दिन तक। आपको बताती हूँ कि इसको अपने चेहरे पर लगाना किस तरीके से। आपको इसमें से क्रीम निकालनी है एंड अपने चेहरे पे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे रख लेने हैं एंड इसको आप डैपिंग मोशन में अपने चेहरे पे लगाइए, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज कीजिए। जैसे मसाज की जाती है चेहरे की, उस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस क्रीम के। एक महीने मेरी मम्मी ने भी इसको ट्राई किया एंड बहुत अच्छी उनके चेहरे पे शाइन आई है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी मम्मियों के साथ में एंड अपनी मम्मी को भी बना के दीजिएगा। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।